दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट सेगमेंट के मोस्ट अंडररेटेड स्मार्ट टीवी के बारे में, क्योंकि आप में से काफी सारे व्यूवर्स ने मुझसे काफी बार इस टीवी के बारे में काफी सारे सवाल किए हैं। तो आज मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपके उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो दोस्तों बजट सेगमेंट के बेस्ट टीवीज में पिक्चर क्वालिटी के बेसिस पर आपको काफी सारे टीवीज के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम 35,000 से 50,000 तक के बजट रेंज के 55 इंच टीवीज को कंसीडर करें तो नोकिया 2020 टीवीज, मोटोरोला ZX Pro टीवीज, Hisense Tornado टीवीज, आने वाले व्यू सिनेमा एक्शन टीवीज, व्यू अल्ट्रा टीवीज और कई सारे टीवीज का नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और टीवी है जो इन सारे टीवीज से पिक्चर क्वालिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे हैं, एंड इट्स नन अदर देन तोशिबा U79 सीरीज टीवी। दोस्तों इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी वाकई में बहुत ही कमाल की है, क्योंकि यहां पर PFS फास्फोरस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो कि आपको सोनी के टीवी में ही देखने को मिलता है, और इसी की वजह से यहाँ पर दिया गया पैनल काफी जबरदस्त कलर रिप्रोडक्शन और पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करता है, अलोंग विद 700 निट्स ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो कि इस बजट रेंज के कई टीवी से ऑलमोस्ट दुगना है। और यहाँ पर आपको 56 फुल एरे लोकल डिमिंग जोन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बेस्ट कलर रिप्रोडक्शन करते हैं, और इस बजट रेंज में आपको कोई भी टीवी ये फीचर ऑफर नहीं करता। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री की बेस्ट पिक्चर टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट भी दिया गया है, जैसे कि डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, फुल एरे लोकल डिमिंग, अल्ट्रा डिमिंग, डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल, MEMC, अल्ट्रा HD AI अपस्केलर, नॉइस रिडक्शन, डेप्थ एनहांसर और नेचुरल कलर एनहांसर, अलोंग विद CEVO पिक्चर इंजन जो कि इस बजट रेंज की बेस्ट अपस्केलिंग, नो मोशन ब्लर और पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करता है। लेकिन दोस्तों ये टीवी कुछ एस्पेक्ट्स में बाकी कंपटीटर के साथ फीका पड़ जाता है, जिनमें से सबसे पहला है इस टीवी मॉडल की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब ये टीवी 2 से 3 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहेगा तो कस्टमर्स खरीदेंगे कैसे और आखिर कब तक इस टीवी के स्टॉक में आने का वेट करेंगे, जिसकी वजह से मजबूरन कस्टमर्स को दूसरे टीवीज खरीदना पड़ रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट रीजन है यहाँ पर दिया गया वीडा OS जो कि परफॉर्मेंस में तो काफी स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी लिमिटेड एप्स का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये टीवी काफी कम कंटेंट ऑफर करता है। यहाँ तक कि इस टीवी में अभी तक हॉटस्टार ऐप का सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन तोशिबा U7980 टीवीज में आपको एलेक्सा का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड OS ना होने के कारण गूगल क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता जो कि एलेक्सा से काफी बेटर काम करता है। साथ ही आजकल मार्केट के सारे लेटेस्ट टीवीज में आपको काफी दमदार ऑडियो सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा जिनका साउंड आउटपुट 100 वॉट्स या उससे ज्यादा तक दिया जा रहा है, लेकिन वहीं इन तोशिबा U79 सीरीज टीवीज में आपको सिर्फ 24 वॉट के साउंड आउटपुट वाला ऑडियो सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारे ड्रॉबैक्स की वजह से काफी कस्टमर्स इन टीवीज को परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक टीवी में आपको एटमोस्ट प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी को ही देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये टीवीज इस बजट रेंज में आपकी नंबर वन चॉइस होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कंटेंट की, तो आप इन टीवीज के साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर अमेजोन फायर स्टिक ले सकते हैं जो कि कंटेंट रिलेटेड सारे इश्यूज को रिजोल्व कर देता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इन टीवीज का प्राइस जो कि अभी 46,999 दिखा रहा है, लेकिन काफी कस्टमर्स ने सेल्स के दौरान इस टीवी को 43,000 रुपीज में भी परचेज किया है। तो अगर आप इस टीवी के साथ 2,000 रुपए तक की MI टीवी स्टिक या फिर अमेजोन फायर स्टिक खरीद लेते हैं तब भी ये टीवी आपको 45,000 से लेकर 46,000 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि इस बजट रेंज के सारे टीवीज के मुकाबले एक बहुत ही अच्छी डील रहेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको तोशिबा U79 टीवीज की सारी डिटेल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही ऑनेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।